बिठाई थी वो सुरक्षा आयोग के सदस्य को हेमंत करकरे, उन्होंने हेमंत करकरे को बुलाया, कहा कि जब सबूत नहीं है तुम्हारे पास तो सावित्री जी को छोड़ दो, सबूत नहीं है तो इनको रखना गलत है, गैर कानूनी है। वो व्यक्ति कहता है मैं कुछ भी करूंगा, मैं सबूत लेकर के आऊंगा, कुछ भी करूंगा, बनाऊंगा, करूंगा, इधर से लाऊंगा, उधर से लाऊंगा, लेकिन मैं साध्वी को नहीं छोड़ूंगा। ये उसकी कुटिलता थी, ये देशद्रोह था, ये धर्म विरुद्ध था। लोकसभा चुनाव में राजनीति सियासी इतनी गर्मा गई है कि हर दिन कोई ना कोई नेता विवादित बयान दे ही देता है। इस पर भोपाल से बीजेपी की प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने 26/11 हमले में शहीद हेमंत करकरे के खिलाफ विवादित बयान दिया है। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल से कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह से टक्कर लेने के लिए चुनावी मैदान में उतारा है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने 26/11 हमले में शहीद ATS के हेमंत करकरे के खिलाफ कहा है कि उसे उसके कर्मों की सजा मिली है। हेमंत करकरे देशद्रोही और धर्म विरुद्ध काम करता था। राजनीति कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला ने चुनाव आयोग से साध्वी प्रज्ञा को चुनाव से लड़ने से रोकने की अपील की है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी साध्वी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मुंबई हमले में शहीद हेमंत करकरे को उनकी बहादुरी के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। ये उसकी कुटिलता थी, ये देशद्रोह था, ये धर्म विरुद्ध था। जब वो मुझसे पूछा तमाम सारे प्रश्न करता था, क्यों ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मैंने कहा मुझे क्या पता, भगवान जाने। तो क्या ये सब जानने के लिए मुझे भगवान के पास जाना पड़ेगा? मैंने कहा बिल्कुल, अगर आपको आवश्यकता है तो आप अवश्य जाइए, आपको विश्वास करने में थोड़ी तकलीफ होगी, देर लगेगी, लेकिन मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। इतनी यातनाएं दी, इतनी गंदी गालियां दी जो असहनीय थी मेरे लिए, और मेरे लिए नहीं किसी के भी लिए। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा, ठीक 1.25 महीने में सूतक लगता है, जब किसी की यहां मृत्यु होती है या जन्म होता है तो सूतक लगता है। तो जिस दिन मैं गई थी उस दिन इसके सूतक लग गया था, और ठीक 1.25 महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा उस दिन सूतक का अंत हो गया। वीडियो की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करते समय घंटी बजाना ना भूलें।